वेलकम टू नेहा सीने किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की मटन फ्राई मंदी। इसको हमने सूप और चटनी के साथ में सर्व किया है, बहुत ही मज़े की है। सबसे पहला हम 1 kg मटन ले लेंगे। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। ये मीडियम साइज़ के पीसेस मैंने किए हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 medium size ऑनियन फाइनली कट करके। अगर आपके मटन में स्मेल आती है तो आप इसमें ऑनियन डाल के इसे अच्छे से इस तरह से मसाज करें और 1 to 2 minutes के लिए इसे रख दें, फिर गोश्त में आपके स्मेल नहीं आएगी। इसमें हम डाल देंगे 2 to 3 tablespoon जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये शान का न्यू मसाला है, मंदी मसाला। ये बहुत मज़े का है, इसे आप चिकन और मटन दोनों में बना सकते हैं। मैं आपको अभी मटन बता रही हूँ, फिर बाद में हम चिकन में भी बनाएंगे। ये हमने हाफ पैकेट डाल दिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1/2 teaspoon क्यूमिन पाउडर। इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला 1/2 teaspoon। जिस तरह से पाई स्टिकी होते हैं, ये गोश्त भी उसी तरह से बनता है। इसमें हमने डाल दिया है सॉल्ट। इसमें हम डाल देंगे 1/2 tablespoon रेड चिली पाउडर। इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में इसे हम साइड में रख देंगे। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। प्रेशर कुकर में हम सबसे पहले ऑयल डाल देंगे। इसमें हम बे लीफ डाल देंगे। फिर इसमें हम मटन जो मैरिनेट किए थे वो डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ऑयल सरफेस में आ जाए। ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करें, मटन में मसाले का टेस्ट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। शान का जो न्यू मसाला है, मंदी मसाला, वो बहुत मज़े का है। देखिए, अच्छे से हमने भून लिया है। आप देख सकते हैं साइड में ऑयल दिख रहा है। अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसमें हम 1.5 glass पानी डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे और इसे हम प्रेशर कुक कर लेंगे 7 to 8 CT, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से कुक हो जाए। जब तक हम इसे प्रेशर कुक करेंगे, लिड हटा दिया है और हमारा मटन अच्छी तरह से कुक हो गया है। मटन को हमें 100% कुक करना है। ये जो यखनी है, राइस बनाते टाइम इसे यूज़ करेंगे। अभी हम राइस की प्रिपरेशन करेंगे। कैरेट को मैंने फाइनली कट कर दिया है। ये 1 medium size टोमेटो पेस्ट है और ये रेजिन्स है। देखिए, अभी हम गोश्त को निकाल देंगे और यखनी को ऐसे ही रखेंगे। इतना मज़े का, और ये गोश्त इतना स्टिकी बनता है। जब हम पाए खाते हैं तो हमारे हाथ स्टिकी हो जाते हैं, उसी तरह से ये गोश्त भी थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। देखिए, अभी हम बनाने हैं राइस। राइस के लिए हमने ऑयल डाल दिया है, उसमें हम रेजिन्स डाल देंगे ताकि रेजिन्स डबल इन साइज हो जाए। फिर इसे हम निकाल देंगे। इसके बाद हम डाल देंगे कैरेट। कैरेट को भी अच्छे से सौते कर लेंगे और फिर उसे भी हम निकाल देंगे। ये हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे, इसीलिए हम इसे अच्छे से सौते करके इसे निकाल देंगे। फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी। उसी ऑयल में हम डाल देंगे टोमेटो प्यूरी। फिर इसमें हम कुछ ग्रीन चिलीज डाल देंगे, होल स्पाइसेस डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि टोमेटो का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसे अच्छे से भूनेंगे। इस टाइम पे तो बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। देखिए, अभी हम इसमें डाल देंगे यखनी, जिसमें हमने मटन बॉईल किए थे वो डाल देंगे। राइस तो हमारे इतने मज़े के फ्लेवरफुल बनते हैं। इस रेसिपी को बनाने के बाद में मैंने 2 time राइस बनाया है इसी तरह से। ये इतने मज़े के बनते हैं। इस राइस के साथ में आप ग्रेवी या ग्रिल कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। देखिए, हमने सॉल्ट डाल दिया है। ये देखिए, हल्का सा स्टिकीनेस लग रहा है, जिस तरह से पाए लगते हैं। देखिए, पानी अच्छे से बॉईल हो गया था, इसमें हमने डाल दिया है राइस। राइस मैंने 3 cup लिया है। जिस तरह से हम राइस को कुक करते हैं वही मेथड है, बट मसाला आप इस तरह से बनाइए। सिंपल है लेकिन मज़े की है। अभी हम गोश्त को फ्राई करेंगे
उसके लिए पैन में मैंने घी डाल दिया है, आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम गोश्त डाल देंगे, गोश्त में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस फ्लेम को मीडियम रखेंगे और गोश्त को दोनों साइड से अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन कर देंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि गोश्त हमारा फिर सॉफ्ट नहीं रहेगा, इसे बस हल्का सी ब्राउन हो जाए फिर हम इसे निकाल देंगे। गोश्त हमारा रेडी हो जाएगा, वहाँ पे हमारे चावल भी रेडी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं झटपट रेसिपी है और टेस्ट में इतनी मज़े की है। देखिए राइस हमारे कितने मज़े के खुले खुले बने हैं और इसकी खुशबू तो इतनी मज़े की है। इसे हमने मंदी की चटनी के साथ में सर्व किया है। चटनी में आप बस गार्लिक, कोरिएंडर, टोमेटो, ग्रीन चिली, लेमन और सॉल्ट का यूज़ करके हमने वो चटनी बनाया है। मंदी की रेसिपी मेरे चैनल पे काफ़ी अपलोड है, आप वहाँ जाके डिटेल में चेक कर सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं डिश आउट, ये देखिए अभी कैरेट और रेजिन्स के साथ में इसे हम गार्निश कर रहे हैं। ये है मंदी की चटनी और ये है सूप। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। आप इसे रान के पीस में भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से मटन के छोटे छोटे पीस में भी बना सकते हैं। बस इस रेसिपी को बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। ऐसी मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ में जल्द शेयर करूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय।